गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, और दोस्तों अप्लाइड केमिस्ट्री में जो हम लोगों का चल रहा है पॉलीमर चल रहा है, यानी कि बहुलक। और दोस्तों बहुलक में जो है हमारा ये आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर में डाल चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर के आप लोगों को देख लेना चाहिए दोस्तों, जिसमें कि जो लेक्चर नंबर 3 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उस लेक्चर में हमने जो है एडिशन पॉलीमर के बारे में पढ़ा था, हमने योग बहुलक के बारे में जो है पढ़ा हुआ था। ठीक है, जिसमें हमने पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीस्टायरीन और भी बहुत सारी जो है आपके पॉलीमर्स, या मैं कहूँ एडिशन पॉलीमर्स जो है बनाना सीखे थे, जहाँ से दोस्तों आपका जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, या तो आपका एडिशन पॉलीमर से क्वेश्चन पूछेगा, या जो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका संघनन बहुलक, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से जरूर पढ़ें दोस्तों, आपके पक्के यहाँ से 2 से 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप लेक्चर जो 3 मैंने अपलोड कर दिए वो जरूर देख लें। ओके, चलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों आप लोग जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, अगर आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, हमने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन आपका कराया हुआ है और अभी करा भी रहे हैं, इसी तरीके से हम कोशिश पूरी करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर का जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट आप लोगों के हम लोग कवर करें। चलिए, सो आज का जो लेक्चर है दोस्तों, इसमें आज हम पढ़ेंगे आपका संघनन बहुलक। ठीक है, कंडेंसेशन जो पॉलीमर रहेंगे वो हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा पीछे, तो हम लोग एकलक, बहुलक, बहुलीकरण, संघनन, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको एथिलीन के मोनोमर बताए थे। ठीक है, सो वो आप सभी लोगों ने पढ़ लिए होंगे। और बहुलकों का क्लासिफिकेशन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें से जो है हम सिंथेसिस के बेस पर पढ़ रहे हैं, और उसमें से हमारा एडिशन पॉलीमर जो होता है वो कवर हो गया है। आज हम पढ़ेंगे संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, पॉलीमर आपका क्या होता है, संघनन बहुलक क्या होता है। तो इसमें हमें 2 पढ़ रहे हैं, मेरिली नायलॉन 66 और आपका बैकिलाइट, ये 2 हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं। ठीक है, तो फिर ये जो सिंथेसिस आपका रहेगा, यानी कि ऑन दी बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, आपका जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर आपका मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको 2 पढ़ने हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना आज क्या पढ़ेंगे, संघनन। ठीक है, जो संघनन बहुलक होंगे वो क्या होंगे, तो हेडिंग वही लगा के मैंने रखी है, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने दोस्तों जो है योग बहुलक पढ़ा होगा, तो जो आपका यहाँ पे संघनन बहुलक है वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा मैं, अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको योग बहुलक का डेफिनेशन बता दूं, और उससे रिलेट अगर करके आपको ये डेफिनेशन मैं बताऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो हमने दोस्तों योग बहुलक में ये देखा था कि जो योग बहुलक होते हैं या पॉलीमर होते हैं, हमारे बे पॉलीमर होते हैं, जो कि क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे मोनोमर्स के बार बार आपस में जुड़ने से बनते हैं, लेकिन बनते टाइम कोई भी छोटा मॉलिक्यूल्स, छोटा अणु अलग नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपका कोई छोटा अणु जो होगा अलग हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, और कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे संघनन बहुलक का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, बे पॉलीमर्स होते हैं, बे बहुलक होते हैं, जो कि क्या, जो कि दोस्तों क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स यानी कि एकलक अणुओं के बार बार आपस में जुड़ने से बनते हैं, लेकिन बनते समय, ये मेन पॉइंट है, बनते समय कोई ना कोई छोटा अणु, देखिए मैं पूरा डेफिनेशन नोट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। ठीक है ना, बनते समय कोई ना कोई छोटा अणु अलग जरूर होगा, अलग हो जाता है। ओके, यहाँ पर अलग होगा, जबकि एडिशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होता था। हमने देखिए पॉलीथीन बनाया था एथिलीन की हेल्प से, तो क्या कोई अणु अलग हुआ था जिसमें से हमारा अलग हो सकता है दोस्तों, NH3, ठीक है, हमारा HCl हो सकता है। ओके, तो और H2O भी आप ऐड कर लीजिए, मतलब ये माइनस होंगे हमारे, इसमें होंगे, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, जो भी हमारे संघनन बहुलक होंगे। ठीक है, अगर ये कोई भी चीज़ आपका अलग होता है तो समझ जाना कि हम लोग जो है कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं, मतलब संघनन बहुलक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अलग नहीं होती हैं तो समझ लेना वो हमारा एडिशन पॉलीमर है, मतलब योग बहुलक है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आपने डेफिनेशन तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है ना, संघनन बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमर बे पॉलीमर होते हैं, जो कि बहुत सारे एकलक अणु हैं यानी कि मोनोमर्स के बार बार आपस में जुड़ने से बनते हैं, लेकिन बनते टाइम आपका क्या होता है,
छोटे अणु अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये छोटे अणु हैं आपके, ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी से। तो एग्जाम्पल आपके दो हैं, नायलॉन 66, नायलॉन 66। आपका नायलॉन 6 भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन कमेंट कर देना तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नायलॉन 66। इसके बाद अगला है बैकेलाइट। बैकेलाइट ये दो आपके क्या हैं दोस्तों, आपके संघनन बहुलक हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं, और इन्हें जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं लगा लीजिए भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो अब हेडिंग लगाइए सबसे पहले नायलॉन 66, ठीक है। समझाते हैं इसको कैसे ये हमारा जो है बनता है, ओके। नायलॉन 66 इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मोनोमर पता होने चाहिए, जो मैंने आपको 10 मोनोमर्स जो है लेक्चर नंबर 2 में लिखवाए थे, लेक्चर जो 2 था दोस्तों उसमें मैंने आपको 10 मोनोमर लिखवाए थे। मोनोमर यानी कि एक लक। चलिए अब देखने लगा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों 10 मोनोमर लिखवाए थे, अगर आपको वो पता है तभी आप जो है ये पॉलीमर बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि कल के लेक्चर में अगर आपको मोनोमर पता ना होते तो आपको कोई भी पॉलीमर समझ में ना आता, ठीक है, और अगर आपने याद कर लिए होंगे तो कल का लेक्चर आपका बहुत बढ़िया गया होगा, ओके। चलिए तो दोस्तों नायलॉन 6 के दो आपके मोनोमर होते हैं, कौन कौन होते हैं थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि पॉली हटा दें या कुछ कर दें, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों। नायलॉन जो 66 होता है इसके दो आपके क्या होते हैं, आपके दो मोनोमर होते हैं। पहला दोस्तों जो है एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो COOH CH2 का होल 4 COOH, यही तो फॉर्मूला होता है इसका, एडिपिक एसिड का, करेक्ट। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों एक और बताया था, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन आपका डाई एमीन, ये भी मैंने आपको बताया था, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या था, हेक्सा यानी कि 6 बार, मेथिलीन यानी कि CH2 6 बार, तो हेक्सामेथिलीन और फिर डाई एमीन मतलब NH2 2 बार, तो NH2 यहाँ पे और एक बार NH2 यहाँ पे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ये आपके मोनोमर हैं दोस्तों इसके, पहला ये और दूसरा ये दोनों के दोनों आपके क्या है, मोनोमर हैं आपके दोस्तों नायलॉन 66 के, पहला एडेपिक एसिड और दूसरा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। जब यही दोनों आपके कई बार आकर के जुड़ेंगे ना, तभी जाकर के नायलॉन 66 जो है आपका क्या होगा दोस्त, बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं अच्छे से, COOH इसके बाद CH2 का होल 4 COOH और प्लस क्या है NH2 CH2 का होल 6 NH2, ये है आपका, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, ये एडेपिक एसिड है और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, यही दोनों जब मिलेंगे ना तभी जा करके नायलॉन 66 बनता। अब ये 66 का मतलब क्या है तो थोड़ा सा नोट कर लेना आपका दोस्तों, एडेपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में कार्बन की संख्या 6-6 होने की वजह से इसका नाम नायलॉन 66 रखा गया है। देख रहे हैं, काउंट करिए 1, 2 और ये 4, तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 पहले से है, देखिए इसका होल 6 है तो मतलब 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम नायलॉन 66 जो है आपका रखा गया है, ओके। अब इसको देखते हैं कि बनाते कैसे, मतलब नायलॉन 66 कैसे बनेगा आपका। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ समझना, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, HOC OH CH2 का होल 4 COOH। देखिए ये पूरा का पूरा वही मैंने छाप दिया, पूरा का पूरा वही मैंने छाप दिया, देखिए COOH
COOH सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 का होल फोर, ये रहा सिंगल बॉन्ड के साथ COOH COOH। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है ताकि मैं बता सकूं कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन कहाँ जुड़ने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब प्लस मैं इसको देखिए किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए H ये है आपका, यहाँ देखिए N करेक्ट, और ये H है CH2 का होल सिक्स, इसके बाद N, ये H और ये H करेक्ट दिख रहा है, ये देखिए प्लस है आपका, ये पहला हो गया एडिपिक एसिड यहाँ तक, प्लस ये हो गया हेक्सामेथिलीन डायमीन करेक्ट। अब होता क्या है ये आपको समझना है, तो यहाँ आप लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, अब पूरा एक लाइन में तो नहीं आ पाया लेकिन यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन, करा इसको हीट गर्म करा, अब देखना होता क्या है। अब आपका ये है कंडेंसेशन पॉलीमर, तो कोई ना कोई छोटा अणु यहाँ पे अलग होना है, ये 100% तय है क्योंकि डेफिनेशन हमें ये बताती है। ओके तो अब यहाँ क्या अलग होता है वो आपको समझना है दोस्त। यहाँ से जो ये आपका ओ एच है ये आपका यहाँ से निकल जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ से ये जो ओ एच है ये आपका अलग हो जाता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, और यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अब जब यहाँ से ओ एच निकला, यहाँ से एच मिलेगा तो आपका बनेगा क्या, जल बनेगा, एच टू ओ बनेगा, क्या बनेगा, एच टू ओ, तो माइनस आपका यहाँ से एच टू ओ निकलेगा, क्या दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। आपका ये ओ एच और ये एच मिलेगा एच टू ओ, ये ओ एच और ये एच, तो एच टू ओ मतलब जल ही निकलेगा, ठीक है ना। अब कितने टाइम निकलेगा वो मैं अभी जस्ट आपको बता देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, आपका एच टू ओ निकलेगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बचा क्या है, बचा जो है ना उसको ऐड कर दीजिए आपस में, तो मैं ऐड करता हूँ, देखिए इसको। अब जब ये ओ एच निकल गया तो इसका बॉन्ड अभी टूटा है, खाली है, मतलब यहाँ कुछ जुड़ सकता है, मतलब ये कार्बन की बैलेंसी यहाँ खाली है, ये वाली, ये डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये देखिए सी एच टू का होल फोर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड इसका खाली है ऐसे, यहाँ नाइट्रोजन का भी तो बॉन्ड ये टूटा है, ये अभी इसकी बैलेंसी खाली है, मतलब नाइट्रोजन ये इसका बॉन्ड ऐसे आया, इससे ऐड हो गया करेक्ट। ये हाइड्रोजन ऊपर है तो मैंने लगा दिया, फिर सी एच टू का होल सिक्स, इसके बाद ये एन, ये आपका एच, और ये बैलेंसी यहाँ राइट साइड में खाली है इस तरीके से, और ये लेफ्ट साइड में बैलेंसी खाली है, इसका होल एन कर दीजिए, और होल एन जब आप करेंगे तो फिर यहाँ एन लगाना पड़ेगा, और प्लस इसके आगे भी एन लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ आपको एन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसकी जगह एन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मोनोमर आपका कई बार ऐड होगा तभी तो जाकर के आपका पॉलीमर बनता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है पॉलीमर की, जब बहुत सारी एक लग अणुएँ या आप कह सकते हैं मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के हमारा जो है क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो ये हो गया इसका सूत्र, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। अब देखिए जब एन यहाँ लगा दिया तो अब जल के अणु आपके एन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, एन, ठीक है, क्योंकि जब एन बार ये आएगा, एन बार ये आएगा तभी जा करके एन जल के अणु निकल जाएंगे और आपका ये बन जाएगा एन टाइम। तो इसे ही हम बोलते हैं दोस्त नाइलॉन सिक्स सिक्स। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, बता दीजिए मुझे जल्दी से, क्या ये आपको समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल था, ये एडिपिक एसिड ले लिया, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ले लिया, और दोनों की रिएक्शन जब होती है तो बनता है नाइलॉन सिक्स सिक्स। ओके अब कैसे बनता है, तो मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा खोल करके लिख दिया आपके सामने, हालांकि बहुत डेंजर लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये जो सी ओ एच है ये हो गया सी ओ ओ एच, सिंगल बॉन्ड के साथ सी एच टू का होल फोर था, ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ सी ओ ओ एच था सी ओ ओ एच, ये हो गया ओके। देन आफ्टर ये प्लस मैंने लगा दिया, ठीक है, फिर ये जो था इसको मैंने लिख दिया एन एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू का होल सिक्स माइनस एन एच टू, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये ओ एच निकलता है, राइट से भी निकलता है, लेफ्ट से एच, ये लेफ्ट से एच, मतलब जल बन रहा है, कुल मिलाकर के ये सोचिए जल आपका बन रहा है। अब बचा जो है ना वो आपस में ऐड कर देना है, तो यहाँ से लेकर के ये बचा यहाँ तक सिंगल बॉन्ड सी ओ, सिंगल बॉन्ड सी ओ, सिंगल बॉन्ड सी एच का होल फोर, सिंगल बॉन्ड सी ओ, तो सिंगल बॉन्ड सी ओ। अब यहाँ इसका जो बैलेंसी खाली है नाइट्रोजन का वो आकर के इस कार्बन की बैलेंसी से ऐड हो गया, ये हो गया, ठीक है। और फिर ये आगे का जो इतना पार्ट है ये
ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है पूरा, और फिर यहाँ नाइट्रोजन की बैलेंसी खाली, ये मतलब आगे ये बॉन्ड बना सकती है। सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा था, एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये आपका जो है ना, ये आपका यहाँ पर है, देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल सिक्स सिंगल बॉन्ड NH2 ओके, कुछ नहीं हुआ। ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन और ये लेफ्ट का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब OH, यहाँ से भी OH अलग हुआ, तब जा कर के जल का अणु निकला, ठीक है। और बचा हुआ जो ये पार्ट था इतना, ये और ये जो पार्ट था वो आपस में जुड़ गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इस तरीके से बनता है दोस्तों आपका नायलॉन 6-6 ओके। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली, ये नोट कर दीजिए पूरा, आप लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 COOH एन टाइम करेक्ट प्लस एन टाइम आपका यहाँ से कितना है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 NH2 करेक्ट, यहाँ से एन टाइम जल के अणु निकले और यहाँ क्या बन गया, यहाँ ये पूरा का पूरा छाप देना जो नायलॉन 6-6 है, आप ये सेम आप छाप देना यहाँ बिल्कुल सेम, ठीक है इस तरीके से। तो ये नायलॉन जो 6-6 है दोस्तों वो आपका बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो रस्सी हम बनाते हैं वहाँ यूज करते हैं, ब्रश जो हम करते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, कपड़े में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको लिख लेना है अपने आप से, ठीक है। रिएक्शन आई होप समझ में आ गई होगी आपको, कमेंट कर देना यार नहीं आई तो फिर मैं इसको एक बार फिर से समझा दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ओके। चलिए तो नायलॉन 6-6 कम्प्लीट हुआ, बचा है बैकेलाइट, तो उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं बैकेलाइट, ठीक है ना, आपका ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है आज के वीडियो का, बैकेलाइट, ठीक है ना। हमने अभी नायलॉन 6-6 को देखा कैसे बनता है, अब उसी तरीके से हमें देखना है बैकेलाइट, ठीक है। ये हमारा कैसे बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसको बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसके मोनोमर आपको पता होने चाहिए करेक्ट, क्योंकि मोनोमर आपके जो होंगे एकलक जो होंगे वही आपके जुड़ करके बहुलक बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो कह सकते हैं मोनोमर होता है दोस्तों कौन कौन होता है ध्यान दीजिए, इसके दो मोनोमर होते हैं, पहला आपका होता है फिनॉल C6H5OH, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये आपको ध्यान देना, ये क्या है फिनॉल है, फिनॉल है, और ये है मेरे दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, नाम मैं इनके लिखवा चुका हूँ, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये आपका फिनॉल है करेक्ट। और जब यही दोनों आपके जुड़ेंगे ना तब जा करके आपका बनेगा बैकेलाइट, क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा बैकेलाइट ओके। चलिए तो इसका रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ कैसे बैकेलाइट बनेगा, ठीक है, आपके बुक में देखिए शॉर्ट में लिखा हो सकता है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, C6H5OH प्लस HCHO, ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे और जा करके बन जाएगा यहाँ पे बैकेलाइट, ठीक है। अब मैं इनका रिएक्शन समझाता हूँ आपको, बेसिक तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ओके। आपको इतना समझ में आ गया कि जो मोनोमर यहाँ जिनकी नीड है हम लोगों को वो क्या क्या है, तो वो है आपके फिनॉल और आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना ओके। सो अब ये रिएक्शन होता कैसे है, बैकेलाइट बनता कैसे है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए अगर आप बुक का पहले देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा बुक का आपको दिखा दूँ, एक मिनट, ये देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा बुक का देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपके अगर मन में डाउट रहेगी सर आप बहुत लॉन्ग बता दिए, ठीक है। तो देखिए आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, आपका फिनॉल है, ठीक है ना, ये देखिए, और दोनों को ऐड करके ये बैकेलाइट आपका बन चुका है। तो ये कैसे बनता है आपको मैं यही बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है, आप बाद में ये लिख सकते हैं, लेकिन ये आता कैसे ही थोड़ा सा ये समझ में हमें आना चाहिए पहले, ठीक है ना। चलो तो इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका फिनॉल, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनाने जा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम इसका, मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कार्बन,
ये कार्बन, 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 ओके ये कार्बन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ कम से कम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, कम से कम समझ में तो आना ही चाहिए। ये कंप्लीट हो गया, करेक्ट, ये हो गया फिनोल आपका, प्लस आपका दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा एच सी, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, करेक्ट, इस तरीके से। अब तब जा करके आपका यहाँ बैकेलाइट बनना है, लेकिन कैसे बनना है तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों मोनोमर्स के बीच रिएक्शन होगा, देखना रिएक्शन क्या होगा। ये दोनों मोनोमर्स हैं लेकिन ये आपस में रिएक्शन करके एक मोनोमर्स आपका पहले बनाते हैं, और वो मोनोमर्स क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड और आपका जो फिनॉल है ये दोनों मोनोमर्स होते हैं बैकेलाइट की, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी एक मोनोमर आपका और बनेगा, देखना कैसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ होता क्या है, जो आपका यहाँ जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, चलिए मैं दूसरा पेन थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये यहाँ से अलग हो जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन आपका मान लीजिए ये अलग हो गया, ठीक है, ये इसका बैलेंसी खाली है, ये हाइड्रोजन आपका अलग हो गया, अब यहाँ आपका हाइड्रोजन नहीं है। और उसके बाद होता क्या है, जो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है ये भी यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। अब जब बॉन्ड टूट गया तो देखिए ये किस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, मैं रफली वर्क कर रहा हूँ, फाइनल रिएक्शन आपको जो लिखना है वो मैं बता दूंगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, देखिए ये बॉन्ड टूट गया तो ये कार्बन का बैलेंसी खाली और ये ऑक्सीजन का एक बैलेंसी इस तरीके से खाली हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया मेरे दोस्तों, तो कार्बन की एक बैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की एक बैलेंसी खाली, यहाँ का बॉन्ड आपका टूट चुका है, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके आया था, अब जब हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया तो यहाँ कार्बन की भी बैलेंसी खाली है, ठीक है ना। अब जो ये हाइड्रोजन आपका आया था ना, ये वाला ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ चिपक जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये बैलेंसी खाली है, बिल्कुल लग सकता है, लग गया। अब बैलेंसी खाली किसकी है, बैलेंसी खाली है आपकी कार्बन की, तो अब यही कार्बन आकर के चिपक जाएगा यहाँ पे। ये हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के साथ, बची है बैलेंसी कार्बन की, तो कार्बन यहाँ जुड़ सकता है ना, यहाँ पे जुड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा आपका इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी देखिए घबराएंगे नहीं भाई, थोड़ा सा डिटेल में समझा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जब हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा तो कुछ इस तरीके से बैलेंसी इसकी खाली रहेगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ओके। मैं इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि आपको रटना ना पड़े कुल मिलाकर के, ठीक है ना। इस तरीके से था, जब ये हाइड्रोजन भाग जाएगा यहाँ से, भाई ये हाइड्रोजन भाग गया यहाँ से, ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंसी खाली रहेगी और ये हाइड्रोजन जाकर के चिपक गया ऑक्सीजन के साथ, तो बचा कार्बन। अब कार्बन का जो बॉन्ड है वो आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, देखना ये कार्बन था, ये इसका बैलेंसी जुड़ गया, कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो मैंने ये OH जोड़ दिया, और कार्बन इसी कार्बन के साथ आपका चीटे भी आ रहे हैं भाई, एक सेकेंड, तो ये OH आपका ऐड हो गया, बचा 2H, तो ऐसे इनको ऐड कर दीजिए यहाँ और यहाँ, कुछ इस तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, देखिए बताइए मुझे, कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं डायरेक्ट यहाँ CH2OH लिख सकता था, ठीक है, मतलब वही है कहने का। अगर मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, मैं इसको दोस्तों आपका शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ OH इस तरीके से, CH2OH, दिख रहा है आप लोगों को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई साहब, वही लिखा है जो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया, बस इसमें मैंने डिफाइन करके सारी चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि फिनॉल ये होता है और यहाँ जा कर के जुड़ गया CH2OH, तो मैंने वही तो ऐड कर दिया, ठीक है, वही तो मैंने मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका
ऐड कर रखा है, ठीक है ना। क्या है, मैंने वही तो आपका यहाँ पे ऐड कर रखा है। आप लोग इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं आपसे यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों, कि जब आपका C6H5OH और आपका फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो बनेगा ये चीज़, ठीक है। तो मैं इसको अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ। अब कहेंगे कुछ लोग कि सर बहुत पता नहीं क्या क्या बताते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन भाई साहब समझ में आ जाए बस ये है। भले ही बार बार उसको मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग आपको बता देता हूँ, उसमें परेशान ना हो, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी। अब ये आपस में जो मिली हुई हैं और मिल करके इन्होंने ये बनाया, कैसे बनाया, मैंने एक एक बिल्कुल तोड़ तोड़ के दिखा दिया आपको। ये बना इस तरीके से कुछ, ये कुछ इस तरीके से आपका बना, ठीक है। देखिए अब आप कोई एक लिखेंगे, चाहे आप ये लिख लीजिए इस तरीके से पूरा समझने के लिए, ठीक है, या ये छोटा सा लिख लीजिए ये वाला, वही चीज़ है, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ आपकी देखिए कहाँ हुई है, आपकी ऑर्थो पर हुई है, ये ऑर्थो मेटा पैरा। तो आपकी जो रिएक्शन है ऑर्थो पर हुई है, ये दोस्तों आपकी पैरा पर भी होती है, पैरा मतलब यहाँ भी होती है। तो इसीलिए हम ऐड करके OH इस तरीके से भी इसको लिखेंगे, यहाँ CH2OH। ये पैरा के साथ भी रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 12th की केमिस्ट्री यहाँ पर यूज हो रही है। जब आपका ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन आपका यहाँ होता है ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी, ठीक है ना। तो अब हम ऑर्थो को लिख सकते हैं, पैरा को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों को प्लस करके लिखते हैं, क्या करते हैं प्लस करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन यहाँ पर भी हुई है और ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर भी हुई है, ठीक है ना। आप चाहें तो किसी एक को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, समझ गए। आप एक भी लिख सकते हैं, आप दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जब रिएक्शन होती है ना, तो ये ऑर्थो पर भी होती है और आपका पैरा यहाँ नीचे पैरा होता है तो पैरा पर भी होती है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्थो, ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है नीचे, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ऑर्थो। मैं ओ लिखता हूँ ऑर्थो को ओ से, तो इसका नेमिंग हो जाएगा ऑर्थो। ओ एच है तो हाइड्रोक्सी ऑर्थो, इनका नेम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ है सी एच टू, मतलब एक बार कार्बन, तो मैथिल, और ये पूरा इतना बचा है फिनॉल, तो इसका नेम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल, करेक्ट, ये नेम है इसका। मैं इसका नेम पूछूं तो क्या होगा, इसका नेम होगा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। तो इसका नेम आप यहाँ लिख लीजिए, पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल। देखिए अब आपको अगर रटना है ना ये चीज़, अगर आपको रटना है, इतना सब नहीं समझना है, तो देखिए ये है बुक, मैं दिखा देता हूँ, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये डायरेक्ट इतना जो लिखा है ना, ये डायरेक्ट छाप लीजिए आप लोग, अगर आपको लगता है कि कितना लॉन्ग करके बता दिया, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ है, देखिए यही बनेगा अभी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो रट लेंगे, इतना सारा नहीं करेंगे, तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल दोनों ऐड किए, बन गया ये चीज़, बस यही आपके लिए है, इससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर समझना चाहते हैं कि हुआ कैसे, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इसका डिटेलिंग अच्छे से मैंने इसका जो है समझाया है आप लोगों को, बस ओके। चलिए तो अब आपको दोस्तों मिला क्या क्या, और तो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल, या हम कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है आप लोगों का, ये आपका यहाँ ऑर्थो पर भी होता है, पैरा पर भी होता है, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना, इन्हीं को गर्म कर देना है, इन्हीं को क्या कर देना, गर्म कर देना है दोनों के दोनों को, इन दोनों को गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या, अब यहाँ जो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ आपका यहाँ जो हाइड्रोजन है कि नहीं है, देखिए ये जो आपका है यहाँ, देखिए हाइड्रोजन है कि नहीं है, देखिए इस सिरे पर ये रहा ये हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन आपका है ये हाइड्रोजन और ये OH, अब ये आपके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। OH और हाइड्रोजन जब निकलेंगे तो यहाँ से निकलेगा H2O, क्या होगा आपका, निकलेगा H2O माइनस में, क्या निकलेगा माइनस में आपका H2O निकलेगा। देखिए अभी मैं पूरी रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। अब दोस्तों जब आपका यहाँ से
ये OH निकल गया और ये आपका जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो बनेगा क्या इसका ये बैलेंसी खाली, ये बैलेंसी खाली। अब देखिए मैं थोड़ा छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये ओके, ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये बैलेंसी खाली इस तरीके से। ऊपर OH है, ये मैंने OH कर दिया और ये आपका यहाँ से OH निकल गया तो बचा क्या CH2 करेक्ट। बस अब कुछ नहीं होना, इसी तरीके के बहुत सारे अणु आपके आ जाएंगे, बहुत सारे इसी तरीके के अणु आ जाएंगे और आपस में जुड़ करके इसी तरीके के आपस में बहुत सारे अणु आकर के ये जालदार संरचना बनाते हैं। देखिए इतना तो आपका आ चुका है, ये बस इसी तरीके का दूसरा अणु ये आ गया, यहाँ दूसरा अणु आ गया, उसका बैलेंसी ऐसे था, ये देखिए करेक्ट, ये OH ठीक है, और यहाँ आपका इस तरीके से इसका बैलेंसी खाली हो जाएगा करेक्ट। और इसी तरीके से ये नीचे जुड़ेगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ बनेगा CH2, ये उल्टा हो गया ठीक है, ये उल्टा हो गया। अब इसका OH जो है नीचे आ जाएगा आपका ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से, ये OH इसका नीचे ठीक है, इसका ये वाला बैलेंसी ये देखिए। इस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जो है आपको ये समझ में आ जाएगा आएगा। और ये यहाँ से यहाँ है CH2, इसका ये बैलेंसी खाली। अब इसको आप लोग इस तरीके से लगा दीजिए होल्ड एंड टाइम, कितनी बार एंड टाइम ठीक है, ये आपका बनता है एंड टाइम ठीक है। इसको इस तरीके से दिखा दीजिए, एक करके एक बॉन्ड है ठीक है, तो इस तरीके से ये बना दोस्तों आप लोगों का बैकलाइट, ये बना आपका बैकलाइट। अब आप चाहें तो मैं सारी की सारी जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई हुई हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से एक पेज में लिख करके समझा देता हूँ ठीक है, ओके। बिल्कुल देखिए इजी था, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं था, बस ये फिनोल था, ये फॉर्मेल्डिहाइड था आपका करेक्ट, और दोनों मिलकर के बैकलाइट बनाते हैं। तो पहले इन दोनों में आपका रिएक्शन होता है इस तरीके से, कैसे रिएक्शन होगा, कैसे हाइड्रोजन हटेगा, कहाँ आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर कार्बन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, तो इज इक्वल टू में ये आपका बनता है करेक्ट, ये बनता है और ये आपका जुड़ता है यहाँ पे मेटा पर ठीक है, सॉरी ऑर्थो पर, ये मेटा होता है ये पैरा, तो ऑर्थो पर भी जुड़ता है और आपका पैरा पर भी जुड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ एक साथ इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि जगह नहीं थी ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा उसी रिएक्शन को लिखा, आपको मैंने यहाँ पे ऑर्थो पर भी दिखा दिया और प्लस करके पैरा पर भी दिखा दिया। इसी को जब हम गर्म करेंगे, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल को या फिर पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल को जब गर्म करेंगे तो फिर यहाँ से OH और H निकल जाएंगे, इसी तरीके से यहाँ से OH H निकल जाएंगे और फिर बनेगा आपका बैकलाइट। अब मैंने इसका होल N लगा दिया, मतलब अब आपको सभी के आगे N लगाना पड़ेगा, मतलब N ये लेना पड़ेगा, N ये लेना पड़ेगा, N ये लेना पड़ेगा और ये भी N आपको लेना पड़ेगा। तो मैं इसको अब जल्दी से एक पेज में नोट कर देता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने दोनों रिएक्शन नोट कर दी हैं, आपको जो बेटर लगे वो आप नोट कर लेना ठीक है। ये आपके बुक का है ठीक है, ये देखिए फिनोल और ये फॉर्मेल्डिहाइड दोनों को गर्म करा तो ये डायरेक्ट आपका बैकलाइट जो है बन करके तैयार है ठीक है। ये आपका बैकलाइट जो है बन गया ठीक है, क्या है आपका बैकलाइट ओके। ये आपका नीचे का दूसरा रिएक्शन है, देखना ये ऊपर जो है इसकी लाइन के, ये पहला रिएक्शन है, आप ऐसा लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं ओके। देखिए ये आपका फिनोल हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड, जब दोनों मिलेंगे तो आपका यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा दोस्तों ऑर्थो, मैं इसको लिख देता हूँ ऑर्थो ठीक है, हाइड्रोक्सी ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल ओके ठीक है, समझ गए। ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल है और ये जो है ये आपका है पैरा, क्या है पैरा, और ये पूरा नेम सेम है पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल ठीक है। ये देखिए मैंने दोनों ऐड करके लिखे हैं, अब कहाँ से CH2OH आया, कैसे जुड़ा, कैसे हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुआ था, तो वो आपको पीछे मैंने समझा दिया है ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। चलिए और फिर जब इन्हीं दोनों को हम गर्म करते हैं तो जा करके हमारा ये बैकलाइट तैयार होता है कुछ इस तरीके से ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है
कि यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन और ये OH इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं, तो हमारा जल का अणु भी निकल जाता है। ठीक है, सो हम जो है ये संघनन बहुलक पढ़ रहे थे, तो देखिए कोई ना कोई छोटा अणु जरूर अलग होता है आपका, सो इसलिए NH2 जो है यहाँ से अलग हो गया। ठीक है ना, तो ये बैकलाइट आपका तैयार हो गया। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, आप सोचेंगे डायरेक्ट एक बार में ही समझ में आ जाए सर हमें, ठीक है ना, एक बार में ही समझाइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ इसका होल N लगा लीजिए, ओके, और इन सब के आगे भी आपको N लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ, क्योंकि N बार मोनोमर जुड़ेंगे तभी आपका पॉलीमर जो है बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए सबके आगे N आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये बैकलाइट आपका तैयार हो गया, और आपका नायलॉन 6-6 भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं चाहे कितनी बार भी आपको समझा दूँ, तो कोशिश आपको यही करना है कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें, ओके। और ये कैसे बना था आपका ये फिनॉल और साथ में CH2OH, तो मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है आपको। वीडियो आप बैक कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अब बस एक टॉपिक आपका बचा हुआ दोस्तों, मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, तो थर्मोप्लास्टिक और आपका थर्मोसेटिंग, ये दो हैं। अब देखिए बैकलाइट का यूज़ अगर आपको लिखना है तो आप इसका यूज़ लिख सकते हैं। इसका जो यूज़ है हम विद्युत रोधी प्लग, आपका स्विच और हैंडल आदि में करते हैं। ठीक है ना, समझ गए, तो ये आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। टेलीफोन, रेडियो, इनके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बैकलाइट आपका कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, तो फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाया करे तो आप क्या करिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके देख लिया करिए। जैसे एक पार्ट में आपने नायलॉन 6-6 कवर कर लिया, दूसरे पार्ट में बैकलाइट, इस तरीके से देखेंगे तो बोरिंग फील नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, चलो तो फिर वीडियो को करते हैं एंड। कैसा लगा वीडियो बता देना कमेंट बॉक्स में, पसंद आया तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।